एक हफ्ते बाद मिला जीवित जवान। 3 फरवरी को मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी 20,000 फीट की ऊंचाई बर्फीले तूफान का हुई थी शिकार। दिल्ली नगर कर्मचारियों की हड़ताल पर सस्पेंस, सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ कर्मचारी यूनियनों ने शर्तों पर हड़ताल वापस लेने को तैयार हुए। सीबीआई करेगी दिव्यांश की मौत की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, दिव्यांश के साथ नहीं हुआ था दुष्कर्म, पानी की टंकी में डूबने से हुई थी मौत। शामली फायरिंग मामले में सीएम अखिलेश सख्त, आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश, ब्लॉक प्रमुख को पार्टी से निकाला, 10 आरोपियों पर केस दर्ज, 3 लोग हिरासत में। और लाइव इंडिया पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का ऐलान, गोमाता ब्रिगेड के आंदोलन में देंगे साथ, महिलाओं के लिए अलग अखाड़ा भी बनाएंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे बात करने वाले हैं हम आपके राशिफल के बारे में भी कि आज का दिन कैसा रहेगा, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होने वाला है। अभी ऑफिस के लिए निकलने वाले होंगे आप, वही रंग के शर्ट पहन के जाइएगा, काम बन जाएगा। साड़ी भी पहन लीजिएगा अगर महिलाएं हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा आपके भाग्य को एकदम से बढ़ाने वाला आपका लकी अक्षर भी अब आपके पास आने को बेचैन है, तो चलिए अब नोट कर लीजिए अपने अपने राशि के अनुसार लकी अक्षर। और बस इसके बाद हम आपको वो रेखा भी दिखाने वाले हैं जो आपकी हथेली में कहीं गुपचुप तरीके से अपना घर करके बैठी है और जिसकी वजह से कर्ज बढ़ता जा रहा है। शुरुआत लकी अक्षर में मेष वालों से, टा अक्षर आपके लिए शुभ रहेगा और वृषभ के लिए पा, मिथुन राशि के लिए रा अक्षर है और कर्क के लिए मा आपके समक्ष, सिंह राशि के लिए या अक्षर और कन्या के लिए फा, तुला राशि के लिए आ गया आपके सामने गा अक्षर, वृश्चिक के लिए ना, धन राशि के लिए मा अक्षर और मकर के लिए पा, कुंभ राशि के लिए बड़ी ई अक्षर है और मीन वालों के लिए जा। ये आपके अपने अक्षर हैं, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए हैं, अब इसको अपने पास रखें, 24 घंटे हंसते रहें। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आपको अगला उपाय बताने की जिसे अपनाने से कर्ज के बोझ से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वाकई सुकून की जो जिंदगी होती है छिन सी जाती है, सम्मान तक पर जो है कांच आ जाती है जब कर्ज लेने वाला व्यक्ति दरवाजे पर हर दिन दस्तक देना शुरू कर दे। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा और इसीलिए अब आपको देने वाले हैं वो दूसरा महा उपाय जो कर्ज का बोझ आपके सिर से हटा देगा। जी जी बिल्कुल। देखिए कई बार ऐसा भी होता है आप कर्ज जब लेते हैं आप अपने शौक आप अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर्ज ले लेते हैं। यहां पर आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। सोचिएगा तेते पाव पसारिए जाते लंबी सौर, जितनी लंबी आपकी खाट है उतना ही पैर फैलाइए, ज्यादा फैलाएंगे तो कर्ज वाकई चढ़ जाएगा। और एक और दोहा है कबीरदास जी का कि देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी, आपका जी आपका मन दूसरों की चुपड़ी रोटी देख करके लालच में नहीं आना चाहिए, अन्यथा फिर आप कर्ज के बोझ तले दबे रहेंगे। चलिए दब गए हैं अब आप ना दबे इसके लिए उपाय कर लीजिए और अगर दबे हैं तो उसको जल्दी से आप मुक्ति का साधन बना पाए। एक कटोरी में ईंट के 7 टुकड़े आपको लेने हैं, ये आपके समक्ष आ गया है। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए स्टील की, इसमें 7 छोटे छोटे ईंट के टुकड़े डालिएगा, एक चुटकी काला तिल डालना है और सामने रख के एक बार पूरा सुंदरकांड करीब 1.5 से 2 घंटा लगेगा सुंदरकांड का पाठ कर डालिएगा। पाठ खत्म होने के बाद एक माला गायत्री मंत्र का भी जाप आपको करना है। इसके बाद सर से उल्टी दिशा में वारिएगा 3 बार 5 बार या 7 बार, संख्या हमने नहीं मेंशन किया है, आप अपनी क्षमता के अनुसार देखिए। इसके बाद धीरे से चुपके से बिना बोले पीपल के नीचे जाकर के कटोरी को उड़ेल दीजिएगा, वहां पर कटोरी लेके वापस चले आइएगा। 3 मंगलवार लगातार यह उपाय दोहराना है, यह शर्त है, और 3 के मध्य में ही आप कर्ज से मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे।
आपको ताज्जुब होगा जानकर कि वाकई ये उपाय कितना असरदार है और कितना क्विक आपको रिजल्ट मिल रहा है। जी, दिल्ली से रोहित जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप रोहित। रोहित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो जी, थोड़ा सा जोर से बोलें, आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है। हेलो जी, बताएं। हेलो रोहित, आपकी आवाज आ रही है लेकिन धीमी है, पर बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हेलो, हाँ ठीक है, बताइए। बताएं। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है और अपना नाम भी बताएं आप। 6 जून 2010। जी, समय जन्म का समय बताएं आप। 6 जून 2010। ये समय नहीं है, ये जन्म तारीख है, आप समय बताइए। समय है सुबह का 10:30। कहाँ का जन्म है, जल्दी बोले। दिल्ली का, कृष्णा नगर। करिए प्रश्न, करिए जी। उसके भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछना। चलिए ठीक है, कुंडली देखिए गुड़िया की है हमारे समक्ष और कर्क लग्न है इसकी, हालांकि बहुत कम उम्र है, अभी मात्र 5.5 साल की हुई है। शनि की महादशा चल रही है, भविष्य की चिंता ज्यादा ना किया करिए, स्वास्थ्य की चिंता कर लें, संस्कार की चिंता कर लें। द्वितीयस्थ मंगल है, महाक्रोधी स्वभाव रहेगा गुड़िया का, जिद न करिएगा इससे, शिक्षा इसकी अधूरी रह जाएगी 2026 तक, मतलब 16 साल की इसकी अवस्था तक। शनिदेव की महादशा है, इसको पूरब सिरहाना किया करें शयन के समय पर, और गौमूत्र का छिड़काव इस पर आप शाम को कर सकती हैं, स्वस्थ रहेगी इससे आप। राहु शांत रहेगा, रोग भाव में राहु बैठा है, राहु शांत हो जाता है तो रोग कभी घर नहीं कर सकता है। सात्विक आहार ग्रहण करें, घर में मांसाहार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कसम खा लीजिएगा, अन्यथा इसको कष्ट बढ़ेगा, क्योंकि मांसाहार में शनि के दूषित होने के आसार बढ़ जाते हैं जी। और अब हम एक मेल पर चर्चा करेंगे, अनीता जैन हैं जो अपने भाई तजिंदर सिंह के बारे में जानना चाहती हैं। भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए इन्होंने, 10th March 1989 जी, 5:15 सुबह के, होशियारपुर पंजाब बर्थ प्लेस। इनका कहना है कि ये काफी परेशान है अपने भाई को लेकर के, क्योंकि इनका जो भाई है वो बहुत अच्छा सिंगर है और चाहती हैं कि भविष्य, अगर भविष्य में क्या ये एक अच्छा सिंगर बन सकता है, फेमस सिंगर बन सकता है, और या अगर है तो इस फील्ड में अगर ये स्ट्रगल करे तो क्या उपाय करे ताकि ये अच्छा सिंगर कामयाब हो जाए। बिल्कुल, देखिए तजेंद्र जी की कुंडली में मकर लग्न की है, शुक्र की महादशा चल रही है, वाकई इनकी कुंडली गायकी के लिए बहुत शुभ है। द्वितीय भाव जो वाणी का होता है, वहां पर दो दो सौम्य ग्रह बैठे हैं, बुध और शुक्र, जो कि इसके बाद द्वितीय से द्वितीय में चंद्रमा है, ये अपने आप में ही विलक्षण योग बना देता है। बहुत प्रॉपर, बहुत शुभ संकेत दिख रहा है, शुक्र की महादशा है। शुक्रवार का व्रत करवाइएगा, मांसाहार से परहेज करवा दीजिएगा, सफेद वस्त्र ज्यादा पहने, और उत्तर दिशा में ही अर्थात पंजाब में ही अपने लिए स्कोप तलाश करें, वहीं पर ये पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, करियर सिंगिंग क्षेत्र में बन जाना तय है, निश्चिंत रहें। जी हाँ, तो सिंगर बनने ही वाले हैं आपके भाई, और अभी से हमारे लिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आपके भाई को भी। फिलहाल बात करेंगे हम राशि फल के बारे में, तो शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, मेष से लेकर के कन्या तक के राशक, जो राशि के जातक हैं वो जान लीजिए अपना आज का राशि फल। जी, मेष वालों के लिए आज घर में मेहमानों के आगमन के संकेत बहुत प्रबल है, तैयार रहिएगा, समय शुभ रहेगा, हरा रंग शुभ है और 70% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ, अचानक यात्रा का योग है, संतान का सहयोग मिलेगा, नीला रंग शुभ है और 50% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, शादी का योग है, गुस्से पर नियंत्रण रखें, गुलाबी रंग की शुभता, 62% का भाग्य आपके साथ है। और कर्क राशि, आर्थिक लाभ की संभावना प्रबल है, सजावट पर ध्यान दीजिए घर के, और नीला रंग, पीला रंग शुभ है, माफ कीजिएगा, और 65% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, वस्तु खरीद सकते हैं आज, बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, सफेद रंग की शुभता है, 79% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, अजनबी पर भरोसा ना करिएगा, आज धोखा मिल सकता है, अचानक यात्रा पर जाएंगे, गोल्डन रंग की शुभता है, 52% का भाग्य साथ में है। जी हाँ, उल्लास नगर से संजय जुड़े हैं, जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते भैया। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैं एक्चुअली, मेरा नाम है सत्यनारायण सैनी, उल्लास नगर से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1965 जी।
दोपहर के 12:27 जी, और प्लेस नवलगढ़ राजस्थान जी। ये डिस्ट्रिक्ट है नवलगढ़? नहीं, शहर है नवलगढ़। आप डिस्ट्रिक्ट बताइए आसपास। झुंझुनू। झुंझुनू, करिए प्रश्न कर लीजिए। पंडित जी, मैं अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या बोल रही है, और दूसरा भविष्य में स्वास्थ्य और धन की समस्या ना हो इसके लिए कोई उपाय बताइए। बाबू देखो, एक मिनट में तो हम पूरी कुंडली की विश्लेषण आपकी नहीं कर पाएंगे। सुधार के लिए आपने उपाय पूछा है। सूर्य की महादशा चल रही है, धनु लग्न आपका है और वृश्चिक राशि है। साढ़े साथी के मिडिल फेज में है आप। धनु लग्न वालों के लिए साढ़े साथी महाकाल बन के आई है। खतरनाक दुख दरिद्रता देगी धनु लग्न वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश के परम शत्रु हैं शनिदेव। विवेक शून्य कर देगी, गलत निर्णय तड़ातड़ लेंगे आप, जिससे आप पतन के रास्ते पर चले जाएं। ऐसा ना हो इसके लिए मस्तिष्क को शांत रखें, कम से कम बोलें आप, और प्रत्येक शनिवार व्रत करते हुए पीपल के पौधे की परिक्रमा करके नीचे आटे का एक दिया जलाइएगा। सात्विक रहिएगा, चरित्रवान रहिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, बुजुर्गों की सेवा करिएगा, शनि मेहरबान रहेंगे, अन्यथा कष्ट है जी। और वक्त है यहाँ ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू DP रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028, ईमेल kisancoop@gmail.com। दीमक पालने का शौक है? Then Syntex Dose makes no sense. लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, Then Syntex Dose, we make sense. के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को उनका राशिफल भी बताने वाले हैं। किचन पिटारा खुलेगा और भाई भाई में प्यार बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं अगला महाप्रयोग, जिसे अपनाने से कर्ज से मुक्ति शीघ्र मिल जाएगी। क्या बताएंगे आप? देखिए, तीसरे प्रयोग के तौर पर अब हम यहाँ पर शनिदेव को शांत करने का प्रयास करेंगे। अब हम पहले रेखा दिखा देते हैं आपको। ये पोर्शन देखें मंगल के शुभ प्रभाव का है। अगर ये पोर्शन आपके हाथ में हथेली में खूब मजबूत है, स्ट्रांग है, जरा सा भी पिलपिला नहीं, दबाने पे दबता नहीं है और बहुत मजबूती के साथ है, और यहां से कोई शाखा जीवन रेखा को टच करती है तो कभी जीवन में कर्ज नहीं रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर यहां पर स्थान बहुत दबा है, पिलपिला है, दबाने पे दबता नहीं है, और कुछ अशुभ चिन्ह भी, मसलन क्रॉस, काला तिल या फिर कोई गंदा सा नीचे अधोगामी रेखाएं बन जाए, तो ऐसी स्थिति में कर्ज की स्थिति आपके जीवन में जीवन पर्यंत बनी रहेगी। रेखाओं के साथ एक विशेष बात यह होती है कि ये रेखाएं जब बनती हैं तभी फल देती हैं, जब मिट जाएंगी तो इसका मतलब वो फेज आपकी लाइफ से निकल चुका है। अब हम आपको तीसरा उपाय बताते हैं, अंतिम उपाय है ये। इस उपाय का आप जब प्रयोग करेंगे तो वाकई आप कर्ज से मुक्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। क्या उपाय है? एक काले धागे में 3 पीपल का पत्ता
बांध लीजिएगा। हर पत्ते पर ओम हंग हनुमतये नमः सिंदूर से लिखना है। आपकी स्क्रीन पर ये मंत्र ऐसे ही लिखा है, हाँ के ऊपर बिंदी, ओम हंग हनुमतये नमः। लिखने के लिए तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल करें, छोटी सी एक लकड़ी तोड़िएगा, ज्यादा नहीं तोड़ना है। एक रात के लिए इसको अपने गले में पहनकर शयन कर लीजिए और सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के बरगद के वृक्ष के नीचे रखाइए। यह उपाय आज ही कर लीजिएगा, लाभ ज्यादा मिलेगा, या फिर किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे आज क्योंकि कल अमावस्या थी इसलिए आज भी अमावस्या का ही फल मिलेगा और ऐसे में मंगलवार पड़ जाने के कारण यह प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे ही उपाय करेंगे रिजल्ट सामने आएगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पिटारे में क्या है खास। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, बात हो बड़े भाई की तो बड़े भाई अक्सर जो हैं बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, हर फर्ज को निभाते हैं और आपकी फिक्र भी करते हैं जो छोटे बहन भाई होते हैं। और छोटे बहन भाई आप याद कीजिए, बचपन में कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आप डर रहे होंगे और आपकी उस गलती को छुपाया भी होगा आपके बड़े भाई ने, माता पिता से पिटाई से भी बचाया होगा आपके बड़े भाई ने। लेकिन अभी कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बड़े भाई से आपकी नहीं बन पा रही है और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, फिर से प्यार जो है आप दोनों के बीच में पनपे, तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। एक फिल्म की गीत से हम शुरुआत करते हैं, चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। भाई भाई में अक्सर ऐसा होता है, भाई का स्नेह भाई ही जानता है। एक माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, अर्पण भी ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन हो जाता है ऐसी बाज दफा ऐसा होता है कि रिश्ते में खटास आ जाती है, दुराव आ जाता है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं, दुआ सलाम भी नहीं। अब ऐसी स्थिति ना आए, छोटा आज कुछ खास करेगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात, यद्यपि ऐसी कहावत है कि बड़ा क्षमा करता है, लेकिन आज छोटा झुक करके एक बार प्रणाम करेगा। अगर बड़े भाई के साथ रिश्ता मधुर नहीं है, चाहे आप बहन है छोटी बहन है और बड़े भाई से रिश्ता मधुर करना है, तो उपाय इसके अंदर है। सामग्री क्या है स्क्रीन पर निगाह गड़ाएं। छुहारा, ड्राई फ्रूट्स में से छुहारा आज हमने लिया, आपकी रसोई का शान बढ़ाता है। खास तौर पे ड्राई डेट्स कहा जाता है इसको। छुहारे में जो विटामिन होते हैं वो ए सी ई के बी टू बी सिक्स, इतने विटामिन पाए जाते हैं। आयरन एलिमेंट का ये बहुत ज्यादा सोर्स इसके अंदर है, लौह तत्व की प्रधानता है। मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव इसके साथ बहुत गहरा है। मंगल माने छोटा भाई। अब उपाय क्या है, एक कटोरी में छुहारे के तीन पीसेस ले लीजिएगा, टुकड़े लीजिएगा और एक बूंद मात सरसों का तेल इस पे टपका दीजिएगा। सामने रख करके तीन बार हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करिएगा एक बैठक में। ये नहीं कि एक बार किया फिर उठ के खाना खा लिए फिर कर लिए, नहीं, एक बैठक में तीन बार। फिर सर से अपने तीन बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिएगा और घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे जहां कुछ कीड़े आदि रहते हो, चींटियां रहती हो, वहां पर इसको डाल दीजिएगा। बस काम खत्म, अब एंजॉय करिए, बड़े भैया का फोन जल्दी ही आ जाएगा आपके पास। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को उनका आज का राशिफल। तुला वालों के लिए आज मानसिक तनाव दूर होने का योग है, पढ़ाई पर ध्यान खास तौर पर आपको देना पड़ेगा। भूरा रंग शुभ है और 90% का ज्यादा हो गया वैसे, लेकिन दिव्यतम भाग के साथ देगा। वृश्चिक, धन पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी का उपहार आज कुछ देना है आपको, काला रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, विदेश यात्रा का सपना पूरा हो रहा है, किसी की बातों में ना आए, नीला रंग शुभ होगा आप और 69% का भाग्य है। कला में रुचि बढ़ रही, व्यवसाय से लाभ, पीला रंग शुभ, 65% का भाग्य मकर वालों का। कुंभ राशि,
घरेलू समस्याएं दूर हो रही है, रुके हुए कार्य पूरा होंगे। नारंगी रंग की शुभता है 62% का भाग्य और अंतिम राशि मीन। संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी आपको, किसी से झूठा वादा ना करें। गुलाबी रंग की शुभता है 59% का भाग्य। बेंगलुरु से आशा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। आशा जी बताएं अपने बारे में आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। आचार्य जी प्रणाम। हाँ श्री राधे जी। आशा जी पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। श्री राधे बताइए जी। पंडित जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। बोले बेटा। जन्म की तारीख उनका है 28/10/1976। समय सुबह का 12:14। और प्लेस दिल्ली। क्या सवाल? सुबह माने दोपहर की मध्य रात्रि रात में जी। सुबह का ये पीएम दोपहर दोपहर का जी। हाँ, जी दोपहर बोले ना, सुबह माने 00 की बात होता है। क्या प्रश्न है आपका अपने पति के विषय में? जी ये नौकरी में ना स्थाई नहीं है, हम लोग का स्थाई नहीं है नौकरी, और मकान नहीं है हमारा अपना। बिल्कुल आशा जी, देखिए कुंडली इनकी धनु लग्न की है और वृश्चिक राशि है कुंडली में। कष्ट की स्थिति तो खैर बनी हुई है, 7.5 चल रहा है। धनु लग्न धनु ही राशि है। दो चीजों पर ध्यान दीजिए, इनसे कहिएगा कि विदेश के लिए प्रयास तेज कर दें और गौ सेवा खूब करें। जितना गौ सेवा करेंगे उतना ही इनको फायदा मिलेगा। मांसाहार घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और लोहबान और गुग्गल का धुनी आम की लकड़ी पर कपूर से जलाकर पूरे घर में गोधूली बेला में दिखाइए। सुंदरकांड का पाठ हर रोज घर में होना चाहिए। आटे में चमेली का तेल डाल के दिया जलाइएगा जब सुंदरकांड का पाठ करें, रोज होना चाहिए, बस जल्दी ही फायदा दिख जाएगा। जी हाँ, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 8 बजे क्या लेकर आएंगे आप? कल देखिए हम आपके सबसे नियर एंड डियर की बात करेंगे, आपके पड़ोसी की बात करेंगे जो आपके बिल्कुल करीब है। जब आप हंसते हैं तो आपकी हंसी में शामिल होता है, लेकिन जब आप रोते हैं तो रोने के लिए भी आ जाता है। लेकिन जब रिश्ता बिगड़ जाए सुधारेंगे ना हम लोग मिलके। बिल्कुल, तो देखिए इसकी झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू, जो सिर्फ 10 मिनट में आपके सफेद बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगा। ये है हर्बल और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ना ही पार्लर या सलोन जाने की जरूरत और ना ही किसी से रिक्वेस्ट करने की। ये पहला ऐसा हेयर कलर है जिसे आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं, बहुत ही क्विक, इजी और हैसल फ्री। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्कैल्प की प्रॉब्लम, रूखे बालों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देगा। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू में आपको मिल रहे हैं पूरे 20 पाउच। इसे आप अगर महीने में 3 बार यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं नेचुरली ब्लैक हेयर और आप हमेशा के लिए बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। इसे आप पूरे 7 महीने यूज कर सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस है पूरे 3,000 रूपए, पर इसे हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 1,490 रूपए में। मतलब आपका एक टाइम का खर्च हो रहा है सिर्फ 75 रूपए। जी हाँ, सिर्फ 75 रूपए में सफेद बालों से और बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लीजिए, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 1,490 रूपए में 20 पाउच वाला नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपको मिल रहा है सिर्फ 1,490 रूपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू से सिर्फ 10 मिनट में बदलिए अपने लुक्स को। ये है 100% हर्बल। ये आपको डाई के सारे झंझटों से बचाता है। ये आता है फ्रेश स्मेल के साथ। इसे लगाने के लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये है जेल की तरह, जो शैम्पू की तरह आसानी से पूरे बालों को कवर कर लेता है और आपके बालों में इवनली फैल जाता है। एक एक सफेद बालों से छुटकारा दिला देता है। ये है इतना इजी कि इसे आप शॉवर लेते हुए भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट लेता है सफेद बालों को कवर करने के लिए, और ये ना ही सिर्फ आपके सफेद बालों को काला बनाता है बल्कि आपके स्कैल्प की समस्याओं को भी दूर करता है, बालों को नरिश करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना दूर करता है, डेंड्रफ, लाइज और खुजली जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। बस बाथरूम में गए, शैम्पू की तरह पाउच से निकाला और बालों में लगा दिया। ये सारे बालों में इवनली फैल जाता है और एक एक बाल को कवर करता है। सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए और धो दीजिए, ना ही डाई की तरह गंदा काला पानी बहेगा और ना ही बालों को घिस घिस के साफ करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें है शैम्पू और कंडीशनर के सभी गुण। सूखने के बाद पाइए नेचुरल ब्लैक हेयर, शाइनी भी और बाउंसी भी। मैं आपको 10 रीजन बताता हूं नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू को यूज करना चाहिए। पहला रीजन, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये बना है हर्ब से और प्लांट एसेंस से, तो आपके बालों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा रीजन, इसे लगाने के लिए आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा रीजन, इसे लगाने के बाद आपको घंटों रुकने की कोई जरूरत नहीं, इसे आप शॉवर लेते टाइम भी 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। फोर्थ रीजन, ये ड्यूरेबल है, इफेक्टिव है और इजीली फेड नहीं होता। फिफ्थ रीजन, बालों को धोते समय ना ही ब्लैक पानी के छींटे उड़ते हैं और ना ही धोने के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी की कोई जरूरत पड़ती है। सिक्स रीजन, ये बालों को इक्वली कवर करता है, एक ही पाउच में आपके सभी बाल कवर हो जाते हैं। सेवंथ रीजन, इसमें डाई की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल नहीं आती। एट रीजन, ये बालों को नरिश करके शाइनी और बाउंसी लुक देता है। नाइन्थ रीजन, इसमें आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउच। टेंथ रीजन, इसे कोई भी अबव 18 यूज कर सकता है, ये इतना सेफ हेजल फ्री है कि इसे आप एक बार यूज करेंगे तो दूसरों को जरूर रिकमेंड करेंगे। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू जेल फॉर्मेट वाला न्यूट्रिशनल शैम्पू है, आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। ये ऑर्डर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलती है फ्री होम डिलीवरी। सो ऑर्डर नाउ। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।
26/11 हमले में दूसरे दिन भी आतंकी हेडली से हो रही है पूछताछ। हेडली ने मुंबई हमले में पाकिस्तान सेना और आईएसआई के रोल को किया है पर्दाफाश। दोबारा डोजियर सौंप सकता है भारत।